सो हेलो स्टूडेंट, आज किस लेक्चर वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स वीडियोस में हमने देखा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट की जब हमने बात करी थी उसमें हमने देखा था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप एक अहम रोल प्ले करते, एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल होता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। ओके स्टूडेंट्स, तो आज इस पंप को जो है कि हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, जो हमारे सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप होते हैं ये हमारे ऑल एनिमल सेल्स के हमारे सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, जितनी भी एनिमल सेल्स होती है हमारी उन पर थाउजेंड्स टू मिलियंस ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेस उनकी सेल मेम्ब्रेन के यहां पर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इस तरह से का एक पंप रहता हमारा, मतलब मैं जो एक स्ट्रक्चर आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, बाकी इसका स्ट्रक्चर जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है तब हम अभी आगे बात करने वाले हैं। अभी जो है कि हम इसकी थोड़ी सी बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिटेल्स देखने वाले हैं। तो ये जो पंप रहता है बेसिकली ये करता क्या है कि ये हमारे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हमारे आयंस को एक्सचेंज करता है, हमारी सेल्स के अंदर से जो कि सोडियम्स को सोडियम आयंस को लेता है और सेल के बाहर सोडियम आयन को ट्रांसफर करता है। ठीक है, सोडियम आयन और इसी के साथ जो कि सेल के बाहर से हमारे पोटेशियम को उठाता है और सेल के अंदर पोटेशियम को इंटर करवाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की अगर हम बात करें तो सोडियम हमारा सेल के अंदर जो कि ऑलरेडी कम प्रेजेंट रहता है, सेल के बाहर सोडियम ज्यादा प्रेजेंट रहता है। तो हमने पैसिव डिफ्यूजन में देखा था कि हमारे जो आयंस का मूवमेंट था वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन था, पर यहां पर आप देख रहे होंगे कि लो कंसंट्रेशन से ये हाई कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में काम कर रहा है। आपको पता होगा हमारे जो सोडियम की कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेल्युलरली होती है वो होती है 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर की होती है। ठीक है, और सेल के अंदर बहुत ही कम होती है। इसी तरह अगर पोटेशियम की बात करें तो इसकी कंसंट्रेशन हमारी 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर की सेल के बाहर होती है और सेल के अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा होती है ऑलरेडी पोटेशियम बिकॉज ऑफ दिस पंप। ये पंप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम को लेते हैं, 3 सोडियम को लेते हैं और बाहर फेंक देते हैं, और हमारे यहां से क्या करते हैं सेल के बाहर से 2 पोटेशियम को उठाते हैं और सेल के अंदर डाल देते हैं। तो अब इनका कंटिन्यूसली जब ये काम करते हैं तो क्या रहता है कि सोडियम हमारे पूरे सेल के बाहर और कैल्शियम ज्यादा हमारे सेल के अंदर हो जाते हैं। फिर भी आप यहाँ देख रहे होंगे कि अगर इलेक्ट्रो अगर यहाँ पर हम आयंस की बात करें तो 3 सोडियम हमारे बाहर जा रहे हैं, 2 सोडियम हमारे अंदर आए, मतलब सेल के अंदर पॉजिटिव आयंस की डेफिशिएंसी इसकी वजह से हमेशा बनी रहती है। ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट भी अगर बोल सकते हैं क्योंकि सेल के बाहर ऑलरेडी हमारे पॉजिटिव चार्ज बहुत हैं, इसके बाद भी इस अगेंस्ट में हमारे सोडियम को बाहर फेंक रहा है, सेल के अंदर भी हमारे पोटेशियम चार्ज बहुत हैं लेकिन इसके अगेंस्ट भी ये पोटेशियम को सेल के बाहर से लाकर अंदर डाल रहा है। अब इस कंडीशन में जैसा कि मैंने बताया था उसमें कि अगर कोई भी काम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है तो उस टाइम पे हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो यहां पर जो यूटिलाइजेशन होता है एनर्जी का वो होता है एटीपी से, एटीपी यहां पर यूज करता है, एटीपी से एडीपी का फॉर्मेशन होता है, एक जो होता है कि सॉरी एडीपी। ठीक है, यहाँ पे एटीपी यूटिलाइज होकर एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब एटीपी का यूज होकर यहाँ पर जो कि ये पंप वर्क करता है। अब सीधी सी बात है, कोई भी काम अगर हम करते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के आगे तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब एक्चुअली में इसको बोला क्या जाता है सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप, तो इसको क्यों बोला जाता है क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये सोडियम और पोटेशियम का जो कि ट्रांसफर कर रहा है, एटीपेस इसमें एज अ एनर्जी यूज हो रही है और पंप इसको क्यों बोला जाता है, सोडियम पोटेशियम को ट्रांसफर कर रहा है इस वजह से इसका नाम सोडियम पोटेशियम होगा, एटीपेस का यूज करके ये इसको काम को कर रहा है इस वजह से इसको एटीपेस बोल दिया, ये एक एंजाइम की तरह काम करता है, एक एंजाइम होता है इस वजह से दिस इज कॉल्ड एटीपेस। अब पंप इसके आगे क्यों लगाया हुआ स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि पंप का जनरली यूज क्यों किया जाता है, किसी भी चीज को अगर हम वाटर पंप की बात करें तो हमको क्या रहना है ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में कोई चीज हमें ऊपर ले जानी रहती है, जैसे हम पानी को जमीन से ऊपर लेके जाते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं पंप का। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि इसको पंप इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये भी
हाई कंसेंट्रेशन से, सॉरी लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की, मतलब अप हील जो कि काम करवा रहा है इनको, इनका ट्रांसफर करे, इसको पंप बोला जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। ठीक है, जो कि हमारी एनर्जी का जो अगर एक तरीके से देखा जाए तो 20-25% एटीपी का यूज हमारी यही पंप करते हैं, और सीएनएस में अगर इसकी बात करी जाए तो 60-70% एनर्जी हमारी सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप ही यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपको समझ में आया कि एक्चुअली में अगर हम एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या होते हैं कि सेल जो हमारी होती है, सेल्स जो होती है हमारी, सेल्स आर बैग्स ऑफ पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम हमारी सेल के अंदर बहुत सारा रहता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सेल्स आर बैग्स ऑफ पोटेशियम, है ना, सेल्स जो होती है हमारी पोटेशियम का बैग होती है, विच आर फ्लोटिंग इन द, फ्लोटिंग इन द, किसमें फ्लोट कर रही है हमारी, सोडियम के सी में। ठीक है, विच आर फ्लोटिंग इन द सोडियम सी। तो हमारी सेल्स, इससे आपको क्या याद रहेगा कि जो हमारी सेल्स होती है वो पोटेशियम का बैग होती है जो कि हमारे सोडियम के समुद्र के अंदर तैरती रहती है। तो इससे क्या रहेगा कि आपको याद रहेगा कि सोडियम हमारी सेल के अंदर ज्यादा रहता है, सेल के बाहर कम, सॉरी बिग मिस्टेक, पोटेशियम हमारी सेल के अंदर ज्यादा रहता है, सेल के बाहर कम, और सोडियम हमारी सेल के बाहर ज्यादा रहता है, सेल के अंदर कम। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस पंप, ये पंप कंटिन्यूअसली हमारे सोडियम को बाहर फेंकते रहते और पोटेशियम को अंदर लाते रहते हैं। तो ये हो गया हमारे जर्नल इंट्रोडक्शन, या फिर बोल लीजिए हमारे सोडियम पोटेशियम एचटीपीएस पंप का। अब चलिए इसको हम डिटेल स्ट्रक्चर में इसकी बात करते हैं कि ये किस तरीके से काम करते हैं हमारे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो चलिए मान लेते हैं ये हमारे सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी सेल है, इसकी ये हमारी सेल की सेल मेम्ब्रेन यहां पर। अब मैं यहां पर एक पंप को लेता हूं और उसको पूरा आपको डिटेल वाइज बताता हूं। पंप जो होता है हमारे स्टूडेंट, दो ये यूनिट से मिलकर बना होता है, अल्फा यूनिट और बीटा यूनिट, जिसमें अल्फा यूनिट सबसे मेन रोल प्ले करती है, सबसे बड़ी यूनिट वही रहती है। बीटा यूनिट का काम इतना रहता है कि वो हमारे जो है कि जो हमारा जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है उसको ट्रांसफर करता है यहाँ पर इस सेल मेम्ब्रेन पर रोक के रखने का काम करता है। तो ये कुछ हमारे इस तरीके दिखाई देते हैं, मान के चलिए ठीक है, मैं एक यहां पर बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से जो होता है कि हमारी आयन का ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीका का कि हमारा पंप रहता है, इसमें क्या रहता है, यहां पर एक इस वाली यूनिट पर तीन साइट होती है हमारी फॉर बाइंडिंग ऑफ सोडियम, और यहां पर होती है हमारी दो साइट फॉर बाइंडिंग ऑफ पोटेशियम। ओके, यहां पर हमारी एक और साइट होती है जिस पर जो है कि हमारी आकर क्या एटीपी बाइंड होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारी नॉर्मल कंडीशन में ये पंप रहता है। ठीक है, अब क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं ईवन का, ईवन। ठीक है, ईवन कंडीशन है, यहां पर अभी कुछ नहीं, हमारा पंप नॉर्मली हमारी सेल पर प्रेजेंट है। अब होता क्या स्टूडेंट्स कि एक एटीपी का मॉलिक्यूल हमारा आता है। ठीक है, मान के चलिए ये एटीपी का मॉलिक्यूल है, एनर्जी मॉलिक्यूल। ठीक है, बैटरी की तरह हम इसको एक बना लेते हैं, मान के चलिए एनर्जी के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। तो ये किस तरीके से इसको हम शो कर सकते हैं। ठीक है, तो एक हमारी ये क्या हुआ एटीपी है, एटीपी मॉलिक्यूल। तो यहां पर हमने एटीपी यहां पर बाइंड होती है आकर, एटीपी जैसे ही बाइंड होगी स्टूडेंट्स ये क्या रहते हैं पंप जनरली क्लोज रहते हैं। तो एटीपी बाइंड होने की वजह से ठीक है अब इसको मिला चार्ज, इसको एनर्जी मिली तो ये क्या होती है फ्लिप हो जाती है थोड़ी सी, मतलब नीचे से हल्की सी फ्लिप नहीं, मतलब हल्की सी ओपन होंगी। तो दूसरी कंडीशन में कुछ किस तरह से दिखाई देगा आपको, ये हमारी होती तो ये वाली हमारी क्या कहलाती है, दिस कंडीशन एटीपी, सो ईवन प्लस एटीपी। इसमें क्या हुआ, पहले जब एटीपी बाइंड नहीं थी तो ये ईवन थी, दूसरी जब एटीपी बाइंड हो तो ईवन प्लस, ईवन प्लस एटीपी। अब जैसी एटीपी बाइंड होती है अपनी सेकंड कंफर्मेशन में आता है कि कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा।
ठीक है, ये हमारा, और दूसरी वाली यूनिट कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगी। ये यहां से थोड़ी जैसे एटीपी यहां पर बाइंड हुआ, ये हल्की सी नीचे से ओपन हो जाती है, ये एटीपी हमारी बाइंड है। एटीपी बाइंड होने की वजह से ये ओपन हुई और यहां पर जो है कि हमारे सोडियम के जो मॉलिक्यूल थे, ठीक है, सोडियम के हमारे मॉलिक्यूल, मान के चलिए हमारे सोडियम के मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहां पर जो तीन सोडियम के मॉलिक्यूल रहेंगे हमारे, वो यहां पर आकर बाइंड हो जाएंगे। ठीक है, ये वाली कंडीशन, ये हमारे सोडियम के मॉलिक्यूल्स यहां पर बाइंड हुए Na प्लस। अब यहां पर बाइंड हो गए सेल के अंदर से सोडियम के मॉलिक्यूल। अब क्या होता है दोस्तों, एटीपी हमारी यहां से इसका यूटिलाइजेशन होता है, और जहां से हमारी ये बैटरी पहले की जो कि फुल चार्ज थी, अब ये हमारी आधी डिस्चार्ज होकर नीचे आ जाती है। ठीक है ना, मान के चलिए इतनी इतनी डिस्चार्ज हुई, मतलब क्योंकि जो होता है कि एटीपी टू एडीपी इसका कन्वर्ट हो जाता है, पहले एडिनो ट्राइफॉस्फेट थे, अब एडिनो डाइफॉस्फेट, मतलब इसमें से एक फॉस्फेट कम होता है, वो जो एक फॉस्फेट रहता है वो यहीं पर हमारा थोड़ा सा चार्ज इसमें रह जाता है। ठीक है, तो ये होगा हमारा पंप फॉस्फोराइलेटेड, इसको क्या बोलेंगे, यहां पर एक फॉस्फेट एड होगा। जब एटीपी यहां पर बाइंड हुई थी और एटीपी अपना एक फॉस्फेट यहां पर मॉलिक्यूल छोड़कर एडीपी से के तौर पर बाहर आ गई थी, यहां पर एक फॉस्फेट ग्रुप यहां पर अटैच है, जिस जो कि इस पंप को फॉस्फोराइलेट करेगा, मतलब इसको चार्ज करेगा। तो इस वजह से क्या हुआ कि अब ये पंप यहां से जैसे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब ये सेकंड कंडीशन में क्या होगा, ये पंप होगा क्लोज और ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा। ठीक है, क्लोज में हम मान लेते हैं कि ये दोनों आपस में बंद हो जाते हैं। अब क्लोज होने के बाद अब क्या होता है, ये ऊपर की तरफ ओपन होंगे। ठीक है, वो एक और स्टेप अगर मैं चाहूं तो बनाऊंगा तो उधर जगह नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि जैसे फॉस्फोराइट होते हैं, ये होते हैं क्लोज, और क्लोज होने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ से यूं फ्लिप होंगे। तो ऊपर वाली में जो है कि थर्ड वाली, उसकी स्टेप बना रहा हूं, यहां से ये क्लोज हुए और ओपन ये इस तरह से फिर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से अब क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ ओपन हुए, जो हमारे यहां पर सोडियम मॉलिक्यूल थे यहां से एस्केप करके अब हो जाएंगे बाहर। ठीक है, जो हमारे ये सोडियम मॉलिक्यूल बाइंड थे, ये हो जाएंगे सेल के बाहर, सोडियम, इस तरह से ये तीनों मॉलिक्यूल हमारे सोडियम के बाहर हो गए। ठीक है, अब जैसे ही सोडियम मॉलिक्यूल बाहर होते हैं, यहां पर अगली कंडीशन में आकर बाइंड होंगे अब हमारे पोटेशियम के मॉलिक्यूल। ठीक है, तो वो वाली कंडीशन हम देख लेते हैं। अब इन स्टेप्स की अगर बात करें तो ये हमारी E1 स्टेट प्लस ATP के साथ थी, फिर दूसरी वाली इस वाली स्टेप की बात करें तो E1 स्टेज प्लस हमारी थ्री सोडियम प्लस ये क्या बोल देंगे फॉस्फेट ग्रुप एक फॉस्फोराइलेटेड। थर्ड वाली इस वाली स्टेप की बात करेंगे तो ये हमारी E1 स्टेट है, उसमें हमारा यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप तो एट इस टाइम पर रहेगा ही अटैच, अभी इसको फॉस्फोराइलेट रहना है, और तीन हमारे सोडियम यहां से रिलीज हो गए। ठीक है, इसके बाद जो अगली कंडीशन वो कौन सी बनेगी, इसमें अब इस वाली जो पॉकेट से इनमें लोड होंगे हमारे पोटेशियम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हमारी ये वाली थी, ये वाली साइड तो हमारी रहेगी खाली। ठीक है, इसमें तो कुछ होना नहीं है। अब ये वाली जो साइड थी पोटेशियम वाली, इस वाली में हमारे अब होंगे दो पोटेशियम यहां पर लोड। ठीक है, तो यहां से क्या होता है कि दो पोटेशियम यहां पर होंगे अब लोड, इस तरह से पोटेशियम मॉलिक्यूल। इसको हम थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, सकी इस तरीके से यहां पर मॉलिक्यूल लोड हुए और ये हो गया सेकंड कंडीशन में क्या रहेगा कि ये जैसे पहले ओपन था, अब जैसे ये मॉलिक्यूल लोड हुए ये हो जाएगा बंद। ठीक है, ये यहां पर बंद होता है
और जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप अभी भी यहाँ पर एड है। अब बंद होने के बाद अब क्या होगा कि हमारा फॉस्फेट ग्रुप होता है रिमूव यहां से, ठीक है, एक फॉस्फेट, अब ये हमारा डीफॉस्फोराइलेट हो जाएगा और उसकी वजह से अब अगली कंडीशन में जैसे ये ग्रुप डिस्चार्ज होता है ये नीचे की तरफ से इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगली कंडीशन कुछ इसी की इस तरह से रहेगी, ये हमारा, इसको रफली अभी बना रहा हूं आपको समझने के लिए कि इस तरीके से ये हमारे थोड़े ओपन हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से, और यहां से जो हमारे जो सोडियम मॉलिक्यूल्स थे जो कि इसमें बाइंड थे ये एस्केप कर कर हमारी सेल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हुआ, ये चैनल ओपन हो गया इस तरह से सोडियम का। अब फिर से वही कंडीशन रिपीट होगी, जैसे ही ये बाहर होने के बाद इस कंडीशन में आ जाएंगे, फिर यहां पर एटीपी होगी बाइंड, एटीपी बाइंड होने की वजह से ये ओपन होगा, उसके बाद ये रिलीज हो जाएगी यहां पर फॉस्फोराइलेट होने के बाद चैनल, यहाँ पर तीन हमारे सोडियम लोड होंगे, उसके बाद इस तरह से ये बंद होकर ऊपर की तरफ से खुलेंगे, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहती है। तो अब आपने इसमें एक चीज देखी होगी कि एक साइकिल में जो कि हमारे तीन पोटेशियम बाहर जा रहा है, सॉरी तीन सोडियम बाहर जा रहे हैं और दो पोटेशियम अंदर आ रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या रहता है कि सेल डेफिशियंट रहती है हमारी, जो मैं कितनी बार बता चुका हूँ सोडियम से, है ना, तो हमारी सेल के अंदर जो होती है पॉजिटिव आयन की इसी तरह से कमी रहती है, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस था ये इसी तरह से चलता रहता है। इस वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसको प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पर जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है वो ये हमारे ट्रांसपोर्टर द्वारा खुद यूज की जा रही है एटीपी, इस वजह से इसको प्राइमरी बोलते हैं। इसकी वजह से आपको एक और चीज बता दूं, सेकेंडरी का मैं अभी यहीं पर एग्जाम्पल आपको बता देता हूं कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। प्राइमरी मतलब जब खुद ट्रांसपोर्टर खुद अपनी एटीपी को खुद यूज करके काम करता है उसको प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि एनर्जी कहीं और यूज होती है बस, लेकिन फिर भी जो है कि दूसरा पंप काम करता है। नहीं आ समझ में, मैं बता दूं, नहीं आ रहा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां बता देता हूं, हमारी सेल पर प्रेजेंट रहते हैं यहां पर सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या हमारा सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। अब एक चीज आपको पता है कि यहां पर जो कि ये जो पंप काम कर रहे हैं एनर्जी यहां पर यूज हो रही है और इनकी वजह से क्या हो रहा है कि सोडियम की डेफिशिएंसी हो रही है हमारी सेल के अंदर, तो सोडियम हमारी सेल में क्या है यहां पर लेस है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में ये ट्रांसपोर्टर क्या करता है कि अब आपको पता होगा कि हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है, तो जो सोडियम हमारी सेल के बाहर होते हैं कुछ वो इस वाले पे बाइंड होंगे। अब यहां पर एनर्जी की जरूरत वैसे तो नहीं पड़ेगी क्योंकि सोडियम यहां पर बाइंड होता है और इस वाले पे होता है हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल बाइंड, ठीक है, ये को ट्रांसपोर्टर है क्योंकि ये दोनों को एक साथ ट्रांसपोर्ट करेगा। यहां पर सोडियम बाइंड होगा और इसी के साथ होगा हमारा ग्लूकोज इस वाली साइड पे बाइंड। अब ये फ्लिप करके सेल के इस तरह से फ्लिप करके इस साइड पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है ये रिलीज कर देगा यहां पर सोडियम को और यहां पर ग्लूकोज को, क्योंकि ये जो काम हुआ था वो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ हुआ था, क्योंकि इधर हाई कंसेंट्रेशन थी सेल के अंदर लो कंसेंट्रेशन थी इसलिए सोडियम इधर मूव कर रहा था, तो सोडियम के साथ ही क्या किया ग्लूकोज भी यहां पर बैठ गया, उसने बोला भाई तुम जा रहे हो तो साथ में मुझे भी ले लो, तो इसकी वजह से सोडियम तो यहां पर मूव किया कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, क्योंकि यहां पर कंसेंट्रेशन कम थी यहां पर ज्यादा थी, इसलिए ये हमारा जो था कि सिंपल हमारा एक ट्रांसपोर्ट हुआ था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इसमें इसकी फैसिलिटी के साथ। बट ये रीजन हुआ किस वजह से, हम इसको डायरेक्टली हम पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं बोल सकते, ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है बिकॉज एनर्जी का यूज इसमें भी हुआ, क्योंकि एनर्जी का यूज यहां हुआ, इस एनर्जी की यूज की वजह से यहां पर सोडियम की डेफिशियंसी हुई, इस सोडियम की डेफिशियंसी की वजह से जो कि यहां पर सोडियम की कंसेंट्रेशन कम होने की वजह से ये सोडियम इधर की तरफ मूव किया, तो इस एटीपी के यूज की वजह से यहां पर सोडियम कम होने की वजह से ये पंप ने काम किया, इस वजह से यहां पर जो हुआ वो होगा हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहां पर एनर्जी डायरेक्ट यहां पर यूज नहीं हुई, एनर्जी हुई थी यूज यहां पर, बस यहां के यूज की वजह से इस पंप ने भी काम किया क्योंकि सोडियम यहां पर कम था और ये जो था कि हमारा
कम हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन के साथ इधर मूव किया, इसके साथ साथ ग्लूकोज ने भी मूव कर लिए, ठीक है। तो इस जगह पर इसका क्या हुआ रोल कि ये सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट हुआ और ये प्राइमरी ट्रांसपोर्ट हुआ। सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट में खुद हमारी साइट पर एनर्जी यूज नहीं होती है, प्राइमरी में हमारी साइट पर एनर्जी यूज होती है। ओके स्टूडेंट, तो ये था ओवरऑल कॉन्सेप्ट सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों हमने ट्रांसपोर्ट समझे, किस तरीके से आयंस का मूवमेंट अंदर से बाहर होता है, 3 सोडियम 2 पोटेशियम किस तरह से अंदर बाहर होती है, ये सारी चीजें हमने देखी। सो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत इजी में मैं आपको समझाने का ट्राई किया। अगर समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।